मैं मजर फरीद ड्राइवर स्पेशलिस्ट के ब्लॉग से आज हम रिव्यू लेके आए हैं सुजुकी आल्टो 660 सीसी जापानी का। तो इसका हम रिव्यू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या फीचर हैं और इस गाड़ी को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए और इस गाड़ी का लेने का हमें फ़ायदा भी है या नहीं फ़ायदा है, इसकी पेट्रोल एवरेज क्या है और चलने में कैसी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके। तो सबसे पहले ये इसकी चाबी है, इसकी कीलेस एंट्री है, एम्बलाइजर लगा हुआ है। तो एम्बलाइजर में ये इसका एक ही बटन लगा हुआ है, तो इसको हम अगर प्रेस करते हैं तो ये गाड़ी ऑफ हो जाती, खुल जाती है, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगी गाड़ी। तो आइए हम इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और फिर बाहर का भी रिव्यू करते हैं। अगला स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है इस तरह। इसका जो इंटीरियर है ये आप ज़रा देख लें कितना प्यारा है इंटीरियर। ये अंदर से जो है इसका इंटीरियर ये दिखाएं ज़रा आज़म भाई। और इसका जो एसी है बहुत ही ज़बरदस्त है। एसी जो है ये गियर से ऑटो है और इसमें काफ़ी और भी ऑप्शन हैं। और इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा रहा था, इसका डैशबोर्ड ये डबल टोन में है, तो ये आप सारा देख सकते हैं कि इसका डबल टोन में इंटीरियर है सारा। और बाकी जो इसका एसी है, कमाल का इसका एसी है, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो पाकिस्तानी आल्टो जो है उससे ये गाड़ी 1000 दर्जे बेहतर है, कीमत में भी उसको उससे ये सस्ती है गाड़ी। इसका जो बॉडी है इसकी ये बहुत मजबूत है उससे। इसमें एबीएस ब्रेक है, लाइटें एडजस्टेबल हैं इसकी और एयर बैग्स हैं इस गाड़ी में 2 दिए हुए हैं। इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा इसकी गियर में एक ऑप्शन है ओडी गियर की। अगर इसको ऑन ऑफ करते हैं तो मीटर में वो शो भी होता है। और इसका ऑन ऑफ करने का मकसद ये होता है कि ये एक बड़ा गियर होता है, इसमें स्पीड ज़्यादा पकड़ती है। और इसका जो मीटर है गाड़ी का, जी दिखाएं जी आजम साहब इसको, तो इसका जो मीटर है वो 140 तक होता है। और ज़रा नीचे करीब करके दिखाएं भाइयों को, तो ये इसका 140 तक इसका मीटर होता है। साथ में ये पेट्रोल वाली जो है ये इसकी ऑप्शन है, तो ये पेट्रोल वाली सुई है। और बाकी इसके साथ ही जो है बाकी ये साथ वाला जो छोटा मीटर लगा हुआ है ये इसका गियर का है इसका। ये अब जैसे कि हम ये आर पे आ गई तो वहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, इससे नीचे अब एन पे आ गए, फिर डी पे आ गए, 2 पे आ गए, 3 पे आ गए। और ये आगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसके साथ ही एक ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ये इसका ओडी गियर होता है। तो इसका ओडी गियर का मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं तो बड़ा गियर लगाएंगे, पेट्रोल का ख़र्चा भी ये कम देगी गाड़ी। तो अब इसके इस पे हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी की जो पेट्रोल एवरेज है, तो ये शहर में जो है ना ये गाड़ी ये तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये एवरेज देती है। और ये बहुत अच्छी एवरेज है एसी के साथ। लॉन्ग पे ये 20 22 24 तक ये जाती है, जैसे डिपेंड करता है आपका पंप कैसा है चलाने में। तो बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और 660 सीसी ये गाड़ी है। तो अभी शाम हो रही है, नहीं तो मैं आपका जो है ना इसका बोनट खोल के इंजन भी चेक कराता और बाकी भी सब जो है इसका चेक कराता। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर अपना लगा दूंगा, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, तो आपका शुक्रिया।